भोपाल में लुधियाना मीडिया ग्रुप की तरफ से पत्रकारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर लुधियाना समूह के एमडी तेजेंद्र सिंह घुम्मन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, हारने वाली टीम को निराश होने की जरूरत नहीं है, हार जीत तो सिर्फ एक शब्द है। इस दौरान उन्होंने दूसरे कॉरपोरेट हाउस से भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने की मांग की है। आयोजन में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, लुधियाना समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी के साथ कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। इस टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को 1,00,000 रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब पत्रकार बंधु जितने भी हैं, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से के लिए भी आप अपना समय डाइवर्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, ताकि आप लोग इस स्पोर्ट्स में अच्छे से सब लोग पार्टिसिपेट करें और अच्छे से खेल पाना सीखें। सर, आप भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे खिलाड़ियों को भी आगे आने के लिए, एक मैसेज क्या मिलना चाहिए? देखिए, मैं खुद डेफिनेटली, मैं और मेरा पूरा परिवार स्पोर्ट्स से जुड़े रहे हैं। मेरे फादर इंटरनेशनल शूटर रहे हैं, मेरे ब्रदर क्रिकेटर रहे हैं, मैं बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आता है, लेकिन खेल की वजह से उसको उस उतार चढ़ाव में किस तरीके से बाहर आना है, किस तरीके से जीत को हावी नहीं होने देना और हार से डिप्रेशन में नहीं जाना, वो सीखता है अपनी लाइफ में, और वही चीज़ें उसको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत सहायता करती है। और वही मैं कहूँगा कि सब लोग उसी खेल भावना से खेलें, हार जीत तो एक शब्द है, क्योंकि तो खेल भावना से खेलना ही सबसे बड़ी जीत है, तो एक हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, तो इसलिए जीत के लिए ज़्यादा उत्साहित ना हो और हार के लिए ये कभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना हो। हार जीत एक पार्ट है। देखिए, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हम उस लेवल पे हैं कि अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी समाज में कुछ नहीं है, और मैं चाहूँगा कि हमारी तरह जितने भी और भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो भी इसी तरीके से अपनी सोच बनाएं कि उनको भी समाज के प्रति सिर्फ खेल ही नहीं और भी जिस फील्ड में भी वो अपना योगदान देना चाहें, आगे आके उनको अपना योगदान देना चाहिए। अभी जो नशों की तरफ जाना या डिप्रेशन में आना, आजकल मैं रोज़ न्यूज़ में पढ़ता हूँ कि बच्चे को मादर फादर ने थोड़ा सा डांट दिया तो सुसाइड कर लिया, फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, ये सिर्फ मेन वही है कि वो अंदरूनी रूप से उतना मजबूत नहीं है, और उसका मेन कारण यही है कि माँ बाप उनकी पढ़ाई की तरफ तो बहुत फोकस किए हुए हैं, और ज़्यादातर बच्चे जब आते हैं तो आके या तो मोबाइल में घुस जाते हैं या टीवी में। मेरी सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से हटा के उनको ग्राउंड में भेजें, जब वो ग्राउंड में जाके खेलेंगे हर एक तरीके की गेम भावना से खेलेंगे, जब उनको वहाँ हार मिलेगी दोस्तों के बीच में, तो उन्हें उस